हे गाइस, मैंने पिछला वीडियो बनाया था हाई वोल्टेज को लेकर कि हम लोग हाई वोल्टेज प्लाज्मा कैसे क्रिएट करें। बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाई वोल्टेज प्लाज्मा जो है ओजोन गैस क्रिएट करता है, एंड जो ओजोन गैस है वो बैक्टीरिया सेल को ब्रेक कर सकता है क्योंकि एक ऑक्सीडाइजर है। सो क्या इसे सैनिटाइजर बन सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझे बस अपने लाइफ के 10 से 15 सेकंड दीजिए एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट हाउ डज हाई वोल्टेज प्लाज्मा कैन क्रिएट ओजोन गैस एंड व्हाई इट इज सो सिंपल टू मेक। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। तो भाई लोग, शुभम के पाठशाला में आपका स्वागत है। सो अब मैं यहाँ पर दो टर्मिनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिनके बीच में हाई वोल्टेज क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ड्रॉइंग बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग ना। अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ दो टर्मिनल को एक हाई वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। अब हाई वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बढ़ाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। सो जो डिफरेंट वोल्टेज पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसके वजह से जो दो टर्मिनल्स थे उनके बीच का जो एयर गैप है वो कोलैप्स कर जाता है और जो आयोनाइज्ड एयर है वही बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा और कुछ नहीं, बस आयोनाइज्ड एयर है, ठीक है, हवाई है वो, आयोनाइज्ड, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ओजोन कैसे बनता है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, बहुत ही सिंपल मैंने ड्रॉ किया था, वो सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। अब ये जो दो भाई हैं ऑक्सीजन के, ये हवा में उड़ रहे हैं आराम से, ठीक है। अब जो है ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के सामने आते हैं। सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो आयन, मतलब आयोनाइज जो एयर है वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और O2 से सिंगल सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये जो सिंगल सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अब डरते हैं अकेला घूमने में, तो वो अपने जो डबल मतलब ऑक्सीजन भाई है उसके पास चला जाता है और ऑक्सीजन भाई उसको अपना लेता है क्योंकि वो अकेला उसको नहीं देख सकता ऐसे रास्ते में भटकते हुए। अब O3 बनता है, आई मीन ओजोन गैस। अब ये जो बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल, क्या बैक्टीरिया का स्पेलिंग लिखा है मैंने, ओहो मस्त एकदम भाई, तू तो साइंटिस्ट है, वो इतना सुंदर स्पेलिंग कहाँ से। खैर, ये जो बैक्टीरिया सेल ओजोन गैस को देखता है तो इसका मनी मन फट जाता है। अब देख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, इसका फट चुका है ऑक्सीजन और मतलब ओजोन गैस को देख के, ठीक है। पहले बहुत ही ये चौड़ा बन रहा था, अभी ऑक्सीजन गैस को देख के इसका फट चुका है, अब मतलब ओजोन गैस को देख के, सॉरी। अब ओजोन गैस मनी मन मुस्कुरा रहा है क्योंकि अभी ये इसके एल लगाने वाला है। सो अब ओजोन गैस धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन करना शुरू करता है, ऑक्सीजन मतलब उसका जो सेल वॉल है और बैक्टीरिया को उसको ब्रेक करने लगता है। और बैक्टीरिया सेल जब भी ब्रेक हो जाता है तभी बैक्टीरिया का और कोई वजूद नहीं रहता है क्योंकि फिर वो एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है और प्रोटीन सब्सटेंस अकेला मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा बॉडी के लिए। मैं ये सब में ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ। सो द बैक्टीरिया इज नाउ डेड, ओके। और बैक्टीरिया का स्पेलिंग बहुत सुंदर लिख रहा हूँ मैं, यू शुड फील प्राउड फॉर मी। और बस इसी के लिए एक ही डायलॉग बनता है उस बैक्टीरिया के लिए, निकल पहले फुर्सत में निकल। सो आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया सेल कितना डरता है ओजोन गैस से और ओजोन गैस कैसे बनता है हाई वोल्टेजेस से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो ओजोन जनरेटर है उसको बनाएंगे, ठीक है। ओजोन जनरेटर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहला तो एयर चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे हाई वोल्टेज से। सो हम लोग एक हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए जिसके बीच से एयर गुजरेगा। और हाई वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए हम लोग का पुराना टेक्निक जो है, आप लोग एक नीट ड्राइवर बना सकते हैं, ZBS ड्राइवर बना सकते हैं, आप लोग मैंने जो ड्राइवर आपको दिखाया था वो बना सकते हैं, बट उतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है ना। और यहाँ पर जैसे मैं आप लोग, जैसे आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि बड़ा स्पार्क क्रिएट करने के लिए आप लोग को एक ड्राइवर बनाना पड़ेगा, वरना अगर हम लोग मतलब छोटा स्पार्क चाहते हैं और बस इन सब कामों के लिए, तो हम लोग जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का चोक है उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब का हर एक चोक नहीं काम आएगा, एक अच्छा चोक जो एडवांस चोक होता है जैसे फिलिप्स का एडवांस चोक है, वो सब ये काम के लिए सही है, ठीक है। मैंने जो ख़रीदा था वो 140 रुपीज़ का आया था, सो ज़्यादा प्राइस इसका है नहीं, तो हम मैं उसका यूज़ करूँगा। और एक छोटा ESD का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा ESD है उसके लिए हम लोग को ड्राइवर अलग से चाहिए उसको चलाने के लिए, तो मैं छोटा ESD यूज़ करूँगा, प्राइवेट ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। आप कोई भी हाई वोल्टेज सोर्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप लोग जो वो मच्छर मारने का
बग जैपर या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो होता है उसका, उसको भी मॉडिफाई करके हाई वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा बट इन फ्यूचर, ओके। अब मेरे पास वो है नहीं, मतलब था, मैंने तोड़ के अपना काम कर लिया, तो मैं उसके बारे में वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हाई वोल्टेज कैसे क्रिएट करें, उसका सबसे ईजिएस्ट प्रोसेस जो है फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर पुराना टीवी का और एक चोक, आई मीन बल्ब। सो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि वॉन सीमेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट। उन्होंने फर्स्ट ही ओजोन जनरेटर का आइडिया दिया था, और उन्होंने फर्स्ट ओजोन जनरेटर थ्रू कोरोना डिस्चार्ज मीन्स जो मैंने समझाया आपको, वो बनाया था। ये जो पहला पार्ट है, ये जो मेरा चोक है उसका जो इनपुट पोर्शन है उसको मैं बल्ब के साथ सीरीज में लगाऊंगा 220 वोल्ट एसी में। फिर यहाँ से जो हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट जनरेट होगा, और हम लोग को पता है कि बल्ब में जो है चार आउटपुट वायर होता है। सो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकेंगे यहाँ पर क्लिक करके, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। जो बल्ब का जो मेन टर्मिनल है जिसमें 300 वोल्ट एसी हाई फ्रिक्वेंसी करंट वाला एसी जनरेट होता है, उसको ईएसटी के जो प्राइमरी पॉइंट है उसमें ज्वाइन करना है। और प्राइमरी पॉइंट को कैसे निकालना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके तो प्राइमरी में मैंने इसको ज्वाइन किया है। फिर जो ईएसटी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल मतलब टर्मिनल्स को पास पास रख के मैंने एक स्पार्क गैप जैसे एक छोटा सा क्रिएट किया है, ठीक है। उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, और ईएसटी का जो नेगेटिव आई मीन ग्राउंड टर्मिनल है वो ज्वाइन हुआ है इस तरफ। तो ये जो दो स्पार्क गैप बन गया है, और उसके बीच में रखा है एक फैन जो इससे एयर ब्लो करेगा, ठीक है। तो इसके बीच जब स्पार्क क्रिएट होगा तो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से ड्राइंग करने की कोशिश किया, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके ओजोन बनेंगे, और फिर यहाँ से ओजोन गैस क्रिएट होगा। तो बस बेसिकली यही है मेरा सेटअप, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 5 वोल्ट का फैन यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा फैन मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो बहुत बड़ा फैन यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहिए ही मत ऐसा कुछ करने का काम, आई मीन घर में ऐसा कुछ ट्राई करने का कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बहुत डेंजरस है, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बिल्ली मेरे ओजोन जनरेटर को बहुत पसंद कर रहा है। तो खैर यही है मेरा फाइनलाइज्ड मॉडल। आप देख सकते हैं जो हाई वोल्टेज स्पार्क गैप मैंने बनाया है वो मैंने एक नेट से बनाया है, जो मैंने बोला था ना आपको बग जैपर को मैंने खोल के अपना काम कर लिया, यही काम किया था मैंने। तो उसका नेट से मैंने बनाया है, एक तरफ एक नेट में पॉजिटिव को ज्वाइन किया, एक नेट में नेगेटिव को ज्वाइन किया, और फिर इसको सीरीज बोल रहा हूँ मैं, पैरेलली इसको ऐसे सजाया है ताकि एक के बाद एक टर्मिनल्स हो, लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ना है ताकि जो स्पार्क मतलब जो आर्क है वो एक के बाद एक जंप ना करे, तब वो मतलब थर्मोकॉल को पिघला सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक 5 वोल्ट के SMPS लगा दिया जस्ट उस फैन को चलाने के लिए। तब क्या होगा, मुझे अलग से बैटरी का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, मैं उसी को 220 वोल्ट AC से डायरेक्ट चला सकूँगा पैरेलली ज्वाइन करके चोक के साथ। तो आपको तो डायग्राम से अच्छे से पता चल ही गया होगा मैंने कैसे इसको बनाया। तो ये मेरा बिल्ली और ये मेरा प्रोजेक्ट, और अब सीधा चलते हैं इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं। सो भाई लोग, मेरा जो फुल सेटअप है वो रेडी है। अब देख सकते हैं इधर मेरा सीरीज बल्ब है, और इधर मेरा ओजोन जनरेटर, इधर मेरा सीरीज बल्ब, इधर मेरा पावर सप्लाई, और इधर कूड़ा तो अब मैं इसको डायरेक्टली ऑन करता हूँ। मेरे हेडफोन बीच में आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। और मैं इसको डायरेक्टली ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया मेरे सीरीज बल्ब के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर का जो फ्यूज़ है उड़ जाए कोई प्रॉब्लम हो तो, और मुझे सुताई पड़े, ठीक है। कोई भी AC सप्लाई को अगर आप पहली बार प्लग इन कर रहे हो तो प्लीज़ रिमेम्बर दैट आप उसको सीरीज बल्ब के साथ ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपको घर में बहुत सुताई पड़ने वाला है, और इसके लिए मैं जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है कनेक्ट करता हूँ 220 वोल्ट AC से। आप देख सकते हैं ब्लू LED जल चुका है, और यहाँ पर एक को हीजिंग नॉइज़ जो है बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। सो मुझे यहाँ से अभी मैंने इसको चलाया, और मुझे अभी से जो ओजोन का स्मेल है वो बहुत अच्छे से फील हो रहा है, और ओजोन का एक क्लोरीन जैसा एक स्मेल होता है, बहुत ही मतलब एक मैं क्या बताऊँ उसको, मैं बहुत ही एक मेटेलिक जैसा एक स्मेल होता है। तो आप देख सकते हैं, और आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैंने जो यहाँ पर जो फैंक्स को लगाया है, फैंक्स मीन आई मीन जहाँ
जाली को मैंने लगाया है उसके बीच में मैंने एक स्पेस छोड़ दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे मैंने इसको लगाया। और बीच में अगर मैं थोड़ा स्पेस नहीं छोड़ता तो क्या होता कि जो आर्क आप देख सकते हैं मैंने लगाया था उसको और वो अपने बीच में आर्क क्रिएट किया था अपना और जो थर्मोकॉल उसको पिघला दिया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और जो मेरा सीरीज बल्ब है वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जल रहा है क्योंकि ये 100 वाट का सीरीज बल्ब है। सो मैं यहाँ से ओजोन का जो स्मेल बहुत ही अच्छे से स्मेल मतलब उसको महसूस कर पा रहा हूँ। और बस यही था मेरा प्रोजेक्ट। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं ओजोन गैस जनरेटर। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, ठीक है। मेरे ऐसे गवाड़ों के लिए इसको छोड़ दीजिए, आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करने कोशिश मत बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाई वोल्टेज से खेलना मतलब एक स्नेक से खेलने जैसा है। स्नेक बाइट से आप बच भी सकते हो लेकिन इससे आप नहीं बच सकते, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।